tomb of Zeb-un-Nisa. आज हम ज़ेब-उन-निसा के टॉम पे आए हैं। जो कि औरंगजेब आलमगीर खान की बड़ी बेटी थी सबसे। ये समनाबाद मेन समनाबाद रोड पे वाक़ है। देख सकते हैं इसकी हालत अब काफ़ी बेहतर है। जो पहले हमारे लोकल सिटीज़न ने की थी इसकी हालत, ये अब काफ़ी बेहतर हो गया। गवर्नमेंट ने काफ़ी इसके ऊपर उसको प्रिजर्व किया था, उसको काम किया था, मज़ीद उसके ऊपर काम शायद चल रहा है। और ये जो सुर्ख पत्थर इसके ऊपर, ये सुर्ख पत्थर, ये अभी तो मेरा ख्याल ये इसका टाइमिंग वगैरह का कोई इश्यू है, या जो इसका केयर टेकर है वो नहीं आया, तो जिसकी वजह से मैं शायद टाइम से पहले आ गया हूँ, वो नहीं आया, तो ये लॉक है। मैं पत्थर कह रहा था, ये जो आप पत्थर देखे हैं स्पेशली इंडिया से मंगवाया जाता है, सुर्ख पत्थर इंडिया से आता है। और इसके ऊपर जो ये पेंटिंग वगैरह हुई है, ये फूल बने हैं, तो आप देख सकते हो खूबसूरत व्यू है इसका। वो ऑरेंज ट्रेन जा रही है, तो ज़ेब-उन-निसा जो थी वो बड़ी खूबसूरत थी, बहुत खूबसूरत थी। उनको म्यूज़िक पसंद था और उनको पोइट्री बहुत पसंद थी, सूफीज़म में काफ़ी इंटरेस्ट था उनका। तो और ये भी मैं आपको बताता हूँ कि आपको दारा शिकू के बारे में मैंने पहले तो बताया था, दारा शिकू जो था वो इनका अंकल था। दारा शिकू इनका अंकल था और ज़ेब-उन-निसा जो थी इनका जो पोइट्री करने का, जो पोइट्री करने का या म्यूज़िक से लगाव था, जो कि आलमगीर खान को बिल्कुल पसंद, ज़ेब-उन-निसा पसंद ही करती थी आकिल खान को, जो कि गवर्नर लाहौर भी रहते हैं उस टाइम में, मुग़ल टाइम में। तो वो जहाँ जहाँ पे ये मकबरा है इनकी तदफीन हुई, वहीं पे हिस्ट्री में है कि ये मिला करते थे दोनों, आकिल खान और ज़ेब-उन-निसा, क्योंकि ये पसंद करते थे एक दूसरे को। और उनका मिलना, ये भी उनके फादर को बिल्कुल पसंद नहीं था, जो कि नॉर्मली हमारे यहाँ पे ये है कि ऐसा टिपिकल माइंडसेट वो उनको नहीं पसंद था। ये इसकी बैक साइड है, पर आज भी इसका जो आर्ट वर्क है आप देख सकते हैं, आ रहे हैं नज़र। और नीचे भी इसके काफ़ी खूबसूरत काम, वही लोगों के घर हैं। ये पहले काफ़ी वसी था, काफ़ी बड़ा बाग था, अब नहीं रहा। ये उसके ये पुराने जो ये
देखिए इसका पुराना, इसके ऊपर ईंटें वगैरह की टाइल्स वगैरह नहीं है, पुरानी है। बाकी तो अब काफ़ी हद तक गवर्नमेंट ने चेंज करके वो नया इसके ऊपर सारा कर दिया। और आपको शायद पता होगा कि इसी का हिस्सा, ये पहले पूरा एक बाग था, लाहौर को वैसे भी बागों का शहर कहा जाता था, तो ये बाग था। तो वो चौबर्जी के बारे में बता को, वो भी इसका हिस्सा था। इसके और भी बुर्ज हैं, वो ढूंढने की हम कोशिश करेंगे, शायद हमें मिल जाए तो वो भी आपको दिखाएंगे। और भी इसके बुर्ज हैं जो इसके साथ जुड़े होते थे, अब तो ये बड़ा ही लोगों ने घर वगैरह रिहायशी एरिया बन गया, तो ये चीज़ है। बंद है यहाँ से, मैं आपको कोशिश करूँगा यहाँ से दिखाऊँ। आप देख सकते हैं बड़ा खूबसूरत पत्थर है। और चौबर्जी भी इसका हिस्सा हुआ करता था, मैं आपको ये कह रहा था। तो वो देख सकते हैं आप, ये उनकी अंदर का व्यू है। मेन साइड से आपको दिखाता हूँ, तो ये था। तो अब लोगों का रिहायशी बन गया हुआ है सारा, इसलिए चेंजिंग वगैरह आ चुकी है इसमें काफ़ी। कुछ आर्ट वर्क ख़राब हो चुका है, कुछ उन्होंने दोबारा से प्रिजर्व किया है।